गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल. आई एम साक्षी एंड आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक वीडियो जहाँ पे मैं 5 मिनट में रेडी हो रही हूँ. ऑफिस का लुक है और हाँ जो लुक आप देख रहे हैं ये मैंने 5 मिनट्स में क्रिएट किया है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. स्टार्टिंग विद द कंसीलर, यहाँ पे मैंने मेबलिन की तरफ से फिट मी रेंज का कंसीलर लिया है. जो कंसीलर का टोन है वो एग्जैक्टली मेरे स्किन टोन से मिलता जुलता है. मैंने लाइटर शेड नहीं लिया है. उसका रीजन ये है कि उसको ज्यादा ब्लेंड नहीं करना पड़ेगा. सिर्फ जो उसका पर्पस है हम उसको उससे अपना सर्कल्स को पैट करके उसको कंसील करेंगे. और थोड़ा सा ब्रिज ऑफ नोज पे मैंने लगाया है और सिर्फ उसको अपने फिंगर से ही ब्लेंड कर रही हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी में कंसीलर ब्लेंड करना है तो ब्रशेस का से अच्छा फिंगर ही रहती है. फिंगर से उसको ब्लेंड करें डैबिंग मोशन में, उसको ड्रैग ना करें. और सी इट्स डन, इट लुक्स सो नाइस, एकदम ग्लोइंग लुक दे देता है. नेक्स्ट इसको सेट करने के लिए हम सेटिंग पाउडर का यूज करेंगे. आप कोई सा भी पाउडर यूज कर सकते हैं. मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल सा टैल्कम पाउडर यूज किया है. सो मैं इसको ब्रश के हेल्प से, आप चाहे तो हाथ से भी उस पाउडर को आप लगा सकते हैं. और अंडर जहां जहां पे आपने कंसीलर लगाया है वहां वहां पे पाउडर को आपको करना है और हल्का सा आपको चेहरे पे लगाना है इवन आउट करके. नेक्स्ट हम यूज करेंगे मस्कारा. मस्कारा देखिए आप लाइनर लगाएं ना लगाएं बिकॉज जल्दी जल्दी में लाइनर खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो आप मस्कारा जरूर लगाएं, एकदम से लुक एलिवेट हो जाता है. देखिए जैसे यहाँ पे, सो डू अप्लाई इट. द फोर्थ आइटम इज गोइंग टू बी अ ब्लश. आपके पास जो भी ब्लश है कोरल टोन में, पिंक टोन में, पीच टोन में, आप बिल्कुल उसको लेके हल्का सा, मैंने यहाँ पे जो ब्रश यूज किया है वो वही ब्रश है जो मैंने सेटिंग के लिए यूज किया था. इस ब्रश से आप उसको चीक बोन से थोड़ा सा पीछे ले जाते हुए अपने टेम्पल तक अपना ब्लश लगाइए. एक बहुत सन किस्ड, बहुत बहुत प्यारा सा लुक आता है, एक लाइफ सा आ जाता है चेहरे पे और बहुत प्रिटी दिखता है. फिफ्थ आइटम एंड द लास्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइटम वुड बी लिपस्टिक. आप लिपस्टिक न्यूड लगा सकते हैं, रेडिश में लगा सकते हैं, या मैंने यहाँ पे मॉव यूज किया है. कोई सा भी आप शेड लगाएं, मिस लिपस्टिक बहुत ही ज्यादा जरूरी है और लुक को कम्प्लीटली एलिवेट कर देती है. मूविंग ऑन टू हेयर स्टाइल, मैं फटाफट से अपना बन खोलूंगी और अपने बालों को कोम करके मिड पार्ट निकालूंगी, सेंटर पार्ट निकालूंगी. सेंटर पार्ट को निकालने के बाद जो सेंटर का पार्ट लाइन है उससे हम थोड़ा 1 इंच के दूरी पर एक सेक्शन पिक करेंगे जो 1 इंच स्क्वायर रहेगा. उसको लेने के बाद आपको उसको रोल करना है पीछे की तरफ, जो ट्विस्ट हम कहते हैं उसको आप ट्विस्ट कीजिए. ट्विस्ट करके उसको पीछे ले जाइए पीछे की तरफ. और जो एक क्लीन सेक्शन को ब्रश करिए जो पीछे का है. उसका होने के बाद इसको एक जो पिन होता है, क्लिप ऑन पिन होता है, उससे आप इसको पीछे अटैच कर दीजिए. सेम चीज आपको दूसरी तरफ करनी है. सेंटर पार्ट से एक सेक्शन लेके 1 इंच का उसको ट्विस्ट करके पीछे की तरफ उसको क्लिप कर लेना है. इसके बाद अपने बालों को ब्रश कीजिए प्रॉपर, उनको आगे हाथ से या जैसे आपको चाहिए. एंड गाइज द लुक इज कम्प्लीट, द हेयर स्टाइल इज डन. ये हेयर स्टाइल जो है ये आपके इंडियन वेयर के साथ, आपके जीन्स टॉप के साथ, आपके ऑफिस वेयर के साथ, टी शर्ट सबके साथ बहुत ज्यादा अच्छी लगती है और बहुत एलिगेंट और बहुत ब्यूटिफुल लुक देती है. मूविंग ऑन टू द मेकअप, उसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा है. और जो प्रोडक्ट्स हमने यूज कर रहे हैं बहुत अफोर्डेबल है, बहुत इजीली अवेलेबल है और एवरीडे यूज के लिए बहुत काम आते हैं. और ऑफिस के लिए कहीं भी बाहर जाने के लिए 5 मिनट में रेडी होना बहुत आसान हो जाता है. सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज लाइक शेयर एंड कॉमेंट फॉर माई वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय.